स्टूडेंट्स आई एम इंग्लिश टीचर प्रांजलि गुजारे और मैं आज उसी फिगर्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करूँगी जो सिक्स फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने पहले टॉपिक में आपको पढ़ाया. ठीक है, सिक्स फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, वो पहले देखिए. ठीक है, और नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. आज भी मैं आपके साथ सिक्स फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर आई हूँ और ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 10th और 12th में और बाकी सारे एग्जाम्स में भी. ठीक है, तो उन फिगर्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला है एलिट्रेशन. देखो ये एलिट्रेशन आप बचपन से सुनते आए होंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच बचपन से मीन्स यू नो जब से आपको ग्रामर आया है, जब से आपको फिगर्स ऑफ स्पीच आया, तो एलिट्रेशन इज द वन जो यू नो हमेशा रहता है. लेकिन फिर भी एलिट्रेशन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं. आइए देखते हैं क्या है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब इनिशियल लेटर जो होता है वर्ड का, ठीक है, अगर एक सेंटेंस है और इनिशियल लेटर जो है वर्ड का वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं. एग्जाम्पल है बिट्टी बॉट अ बिट ऑफ बटर. ठीक है, ये टंग ट्विस्टर आपने बहुत बार सुनी होगी. अगर इसमें हम देखेंगे तो देखिए बिट्टी, ठीक है, बी 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 जो है वो रिपीट हो रहा है. ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे जो वर्ड्स है वो रिपीट होने चाहिए, एटलीस्ट टू वर्ड्स जो है वो तो भी रिपीट होने चाहिए, टू लेटर्स जो है टू वर्ड्स के वो तो भी रिपीट होने चाहिए. ठीक है, और उसका साउंड, स्पेशली उसका साउंड जो है वो रिपीट होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन. देखो इसमें क्या होता है, इनिशियल लेटर जो है वो रिपीट होता है, लेकिन जब हम बात रिपीटेशन की करते हैं तो रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट हो सकते हैं, फ्रेजेस रिपीट हो सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ यू थिंक यू कैन डू इट देन यू कैन डू इट. अब इसमें देखो यू कैन डू इट और यू कैन डू इट जो है वो रिपीट हुआ है. ठीक है, सो इस काइंड ऑफ सेंटेंसेस में या फिर यू नो स्टेटमेंट्स रहते हैं उसमें या तो फ्रेजेस या तो वर्ड्स जो होते हैं जो रिपीट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन कहते हैं. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट है ओनोमेटोपोया. अगर हम बात करते हैं ओनोमेटोपोया की, तो ओनोमेटोपोया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके वर्ड में यू नो साउंड छुपा रहता है. ठीक है, या फिर जो हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, वो यू नो साउंड जैसा प्रोनाउंस होता है, उसमें ही एक अपना वर्ड छुपा होता है. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओनोमेटोपोया. ठीक है, जो यू नो हम जब उसको प्रोनाउंस करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि एक मीनिंग है उसके अंदर. ठीक है, एक वर्ड के अंदर, जैसे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं क्लिक. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बूम. तो ये जो है इसको हम ओनोमेटोपोया कहलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है मेरे पास है आयनी. आयनी में क्या होता है कि जो हमारा बोला गया मीनिंग होता है वो एक्चुअल मीनिंग से डिफरेंट होता है. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं. ठीक है, आयरनी का एग्जाम्पल देंगे तो आयरनी का एग्जाम्पल है ही कॉल्ड हिज सन भारत रत्न. ठीक है, ही कॉल्ड हिज सन भारत रत्न. ठीक है, अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो डिफरेंट है. क्या भारत रत्न हम कह सकते हैं, क्या एक यू नो जिसको भारत रत्न ही मिला हुआ है, ठीक है, तो क्या हम उसको बोल सकते हैं क्या? लेकिन वो एक खुशी के लिए, एक सेटिस्फैक्शन के लिए, ही इज प्राउड ऑफ हिज सन, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड हिज सन भारत रत्न. ठीक है, तो इस ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, आयनी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मतलब क्या होता है कि जब सेंटेंस खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है. ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी. इसका एग्जाम्पल है आई एम नोबडी. ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, पहले आप आई एम भी बोलते हो. ठीक है, अगर मैं हूँ तो मैं नहीं हूँ, ये ऐसा कैसे हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं खुद को, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी की बात करें तो टॉटोलॉजी में क्या होता है कि एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस में दो
सॉरी एक ही सेंटेंस में दो सेम मीनिंग्स आते हैं, ठीक है, तो उसको हम टॉटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेती हूँ एग्जाम्पल, इट्स अ फ्री गिफ्ट, ठीक है, मुझे बताइए कि अगर वो फ्री है, इट मीन्स वो गिफ्ट है, ठीक है, तो दो दो बार बोलने की जरूरत नहीं है कि इट्स अ फ्री गिफ्ट। तो ये जो दो वर्ड्स है ये सेम वर्ड्स हैं, ठीक है, इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में हम इसको एक और वर्ड से भी पहचानते हैं, दैट इज सुपरफ्लूस, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब एक ही सेंटेंस में दो सिमिलर वर्ड आगे पीछे आए हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉटोलॉजी कहते हैं। तो ये सिक्स फिगर्स ऑफ स्पीच है जो आपको समझ में आए होंगे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इससे और कुछ वर्ड्स यू नो, इससे और कुछ एग्जांपल्स देखिए, अगर आप और ज़्यादा एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और ज़्यादा इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं।